नमस्कार दोस्तों, कैफे ओरेंजो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चीज कटलेट, उसमें भी पिज्जा का ही टेस्ट आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। और इसमें हम डाल लेंगे एक गाजर कसा हुआ, हरा मिर्च, एक प्याज वो भी चॉप किया हुआ, धनिया और ये शिमला, सबको हम इसमें डाल देते हैं। ये गाजर, ये मिर्च, प्याज, हरा धनिया और ये शिमला मिर्च, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बिल्कुल पिज्जा का ही टेस्ट आएगा। और इसमें हम डाल देंगे ये उबला हुआ आलू है, इसको हम कद्दूकस कर लिए हैं, क्योंकि अभी मार्केट में नया आलू आ रहा है, वो हाथ से दबाता नहीं, पकने के बाद वो कड़ा हो जाता है, तो इसे हम कद्दूकस कर लिए हैं। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। और इसके लिए पनीर लिए हैं, तो इसमें हम आधा पनीर इसमें डालेंगे। देखिए इस तरीके से हम हाथ से ही इसको इसे हम मैश करके डाल दिए हैं। और इसमें डालेंगे हम ओरिगेनो, कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें हम मूंगफली दरदरा करके ले लिए हैं, ये भी डाल देंगे। और इसमें हम ये चावल का आटा है, थोड़ा हम चावल का आटा डालेंगे और थोड़ा मैदा डालेंगे। आप चाहें तो चावल के आटा या सिर्फ मैदा ही डाल सकते हैं इस तरीके से। और इसमें हम ये अमूल चीज स्प्रेड है, इसी को हम डालेंगे, बहुत ही इससे अच्छा आएगा और बच्चे इसे बहुत पसंद से खाएंगे। इसके अंदर हम सबको मिक्स करके और इसमें हम डाल देते हैं स्वादानुसार नमक, नमक जब भी डालें आप अपने हिसाब से डालें। थोड़ी सी लाल मिर्च, अब हम सबको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसमें हमको पानी डालना नहीं है, फिर भी इसमें थोड़ा सा, तो उसके लिए हम पालक पीस के ले लिए हैं, इसे हम थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वाद अच्छा लगेगा, आप एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इसे हम इसी तरीके से सबको मिक्स कर लेते हैं, जितना इसमें पालक आएगा उतना ही हम पालक डालेंगे। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें गरम मसाला नहीं डालेंगे। ये देखिए इससे तो खूब अच्छे तरीके से, चाहे आप इसका कबाब बनाएं, चाहे कटलेट बनाएं, कोफ्ता बनाएं, इसी तरीके से हम। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आप गोल लंबा जो भी शेप में बनाइए, इसको हम इस तरीके से कर लिए। ये देखिए इसमें हम चीज को डाल दिए हैं।
इस तरीके से हम बना लेते हैं। एक और हम आपको दिखा देते हैं, इसको इस तरीके से हम कर लेंगे, इस तरीके से चीज को हम ये देखिए। तो इसी तरीके से आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, हम सबको बना के रख लेते हैं। इसी तरह गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाए हैं, तेल गर्म हो गया है, देखिए इस तरीके से बना लिए हैं। और थोड़ा सा हम सूजी ले लिए हैं, उसी में हम लपेट के देखिए इस तरीके से, ये सबको हम इसमें डाल देते हैं। ज्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए हमें, ये बहुत ही स्वादिष्ट खाने में लगेगा। बाजार में अभी पालक गाजर सब बढ़िया बढ़िया आ गया है। आप चाहें तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। गैस का फ्लेम लो ही रखें तो अंदर से पकेगा, नहीं तो फिर ये कच्चा ही रह जाएगा। तो इसको हम बना के निकाल लेते हैं, फिर इसी तरीके से हम सबको बना लेंगे। इस पर हम थोड़ा थोड़ा तेल डाल देते हैं, देखिए इसी तरीके से पकने देते हैं, फिर इसको हम पलटेंगे। इस तरीके से हम अलट पलट करके चारों तरफ से पका रहे हैं। इसे अब हम निकाल लेंगे, देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे निकाल लेंगे और दूसरा पारी है उसको हम डाल देंगे। को निकाल लेते हैं, तो ये देखिए बनके तैयार हो गया है। और ये कितना ही अच्छा बना है, देखिए एक हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए अंदर मेल्ट हो गया है चीज, और ये कितना खास्ता बना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, साथ ही बड़ों को भी। फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।